झारखंड में बीजेपी की सरकार के सत्ता से जाने और जेएमएम कांग्रेस की सरकार के गठन के साथ अब सत्ता और विपक्षी दल के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार के कानून का हवाला दे रहे हैं। वहीं राज्य के मंत्री कुछ अपने ही अंदाज में अपनी बात जनता के सामने रखते नजर आए। रांची के सांसद संजय सेठ ने राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के नियमों के पालन के लिए सख्ती बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की जाए। पे कोई भी चिन्ह आपने बनाया तो कानून है आपका, आप कड़ाई करो, कानून है आपका। नंबर तीन, ये जो स्कूटर चलते चलते मोटरसाइकिल चलते जो मोबाइल बांध बात करते हैं उस पर तो सबसे बड़ा दुर्घटना का कि साहब उसको एकदम पकड़िए। नंबर चार, अगर कोई वाहन धुआं उगलते हुए पाया गया तो हम सब भी जागरूक नागरिक हैं, तो मीडिया वाले भी हैं, तुरंत खबर कीजिए, किसको डीटीओ को खबर करें या किसको खबर करें, गाड़ी रोको, धुआं उगलने नहीं देंगे। ये चार पांच आज निर्णय लेके ताकि मीडिया के थ्रू बाजार में आकर लोग अवेयर होंगे, कड़ाई करें और होली तक पूरे फुल फ्लेज में वो नशा वाला वो आप लगाइए, फुल फ्लेज में रोज चेक करने का एकदम रोज इसको सिस्टम बना दीजिए, आपका आधा क्राइम रुक जाएगा। हर थाने को निर्देश हो कि भाई आप शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 8 बजे तक आप चेक करो, गाड़ी वाला है, स्कूटर वाला हो, ट्रक हो, टेम्पू वाला हो, सब कुछ चेक करो। इधर राज्य में बनी नई सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता अपने अंदाज में ट्रैफिक नियमों के बारे में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नियम बनने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो कि स्कूटी की कीमत 13,000 रुपये हो और फाइन 25,000 रुपये लग जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के लिए भी यह नियम लागू होना चाहिए। देखिए अब एक तो ट्रैफिक का नियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बना दिया वो नियम भी ऐसा बना दिया कि लगता है कि वो नियम जो है लगता है कि एकदम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना जो है वो भरने के उद्देश्य से बना दिया। कोई भी चीज़ जो है ये लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। अब नियम ठीक है, नियम में सुधार होने चाहिए, नियम में बदलाव होने चाहिए, उसी के लिए लोकसभा है, उसी के लिए हमारा राज्य में जो है विधानसभा है। लेकिन नियम अब ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि स्कूटी की कीमत जो है 13,000 रुपया है और फाइन 25,000 रुपया आप कर दीजिए तो पता चला कि स्कूटी ही हमारी बैन छोड़ के चली जाए। तो हम लोग देखिए नियम बनाना चाहते हैं, नियम का इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन नियम न्यायुक्त हो, तर्कसंगत हो और नियम एक कानून का एक सुलझा हुआ पहलू हो। राज्य में नई सरकार बनने के साथ ही केंद्र के नियमों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र के नियमों और कानूनों का पालन किस तरह से किया जाता है। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।